अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले न्यूज़ रूम का मंजर दिखाया कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच इस वक्त हो रहा है T20 वर्ल्ड कप में, और सब किस तरह से मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और बाकायदा टीवी स्क्रीन्स के आगे इन्होंने सीटें लगाई हुई थी और मैच को एंजॉय किया जा रहा था, चेयर्स लगा के बाकायदा तौर पर भरपूर तरीके से मैच को एंजॉय किया जा रहा है। तो अब मैं आ गई हूँ मेकअप रूम में, और आप देख सकते हैं मेकअप रूम में मेरे साथ मेरे कॉलीग्स मौजूद हैं जो कि इस वक्त क्रिकेट मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और वो ऊपर अगर आपको नज़र आए, ये स्क्रीन लगी हुई है और बाकायदा तौर पर यहाँ पर मैच को एंजॉय किया जा रहा है। और ये हमारी साथी एंकर शाइस्ता शहजाद, प्लीज हेलो एवरीवन। मैं तैयार होते हुए भी स्क्रीन को ही देख रही हूँ मुसलसल ऊपर जी। और ये हमारे ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट तौफीक जैदी जो कि इस वक्त शाइस्ता को रेडी कर रहे हैं और लाइट्स यहाँ पर जल रही हैं। जी जी, मैं ऊपर से फ्रेम बना रही हूँ। और ये हमारे भाईजान काशिफ और शहजाद भी इन्हें कहते हैं, दोनों इनके नाम हैं, ये भी मैच भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ में शाइस्ता को रेडी भी किया जा रहा है। तो मैं आप सबसे पूछना चाह रही हूँ, हमाद सबसे पहले आप बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है आपको आज के मैच से? 50-50। क्यों भाई? पाकिस्तान हारेगा क्यों भाई? मैं बोल रहा हूँ बस, चले नहीं करें ऐसी बातें, अच्छी बातें करें भाई। इनका जैसा मुंह है वैसी ही बात करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज पाकिस्तान जीतेगा और जीतेगा हमेशा की तरह जीतेगा। हमेशा बहुत जीत गए, ये देखिए आप किस तरह की बातें हो रही हैं। अल्लाह करे पाकिस्तानी टीम हमारी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म जैसे कि कर रही है टिल एंड करती रहे और हम लोग आज का ये मैच जीत जाएं जो कि हाई वोल्टेज मैच है। और क्रिकेट लवर्स जो हैं वो वाह कर देंगे, और जो जो किस जिस जिसने वादे किए हुए हैं, खाना खिलाऊंगा तुम्हें, ये दिलाऊंगा अगर पाकिस्तान जीत गया, तो वो जिन जिन को जो जो गिफ्ट्स मिलने हैं ना वो तो वाकई खुश हो जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं जी, सलमान आप बताएं। हाँ इंशाल्लाह, मेरा तो मत है कि जीतेगा लाजमी, लेकिन जिस हिसाब से स्कोर मार रहा है इंडिया तो ये उम्मीदें जो है ना जीतने की अपनी बहुत मादूम होती हुई नजर आ रही है, जो कि मैं नहीं चाहती लेकिन ऐसा हो रहा है, तो किसी तरीके से इनको रोक लो यार। अच्छा काशिफ, आपका क्या एनालिसिस है क्रिकेट पे? पता नहीं, अभी तो देखने पता लगेगा। फिर भी कुछ तो बोले आप। जीतेगा इंशाल्लाह। जी जनाब, और ये तौफीक आप बताइए। पाकिस्तान के लिए हमारी दुआएं हैं, जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, अच्छा कुछ मेरे हाथ में इस वक्त मोबाइल है, ट्राईपॉड मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से कुछ वीडियो ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रही है, लेकिन मैं माहौल दिखाना मेरा मकसद था मेकअप रूम का, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आशी आशी मैडम आप भी बता दें, आप मैच देख रही हैं? क्या लग रहा है कौन जीतेगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जनाब ये मेकअप रूम और जहाँ पे हम सब बैठ के मैच इंजॉय कर रहे हैं, और थोड़ी देर में हम लोग चाय भी पियेंगे और इस मैच का लुत्फ मजीद हम उठाएंगे। हमाद आपने जो 50-50 बोला ना, मैं चाह रही हूँ अपने अल्फाज वापस लेने, कबूलियत की घड़ी का पता नहीं होता, तो बाज आ जाए इंशाल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, आमीन सुमा। चले जबरदस्त जी, अब बातें तो आप लोगों के साथ होती रहेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि अब यूट्यूब चैनल आप लोगों ने देखा है कि मैंने बना लिया और कोशिश कर रही हूँ कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम भी करूँ। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और इसी तरह प्यार करते रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।